चलिए दोस्तों, लेकर आ गया हूँ आपके लिए एक और जबरदस्त सी वीडियो, जिसमें आज मैं बात करने वाला हूँ कौन सा फोन सबसे ज्यादा बेस्ट है, विच इज द बेस्ट फोन बिटवीन 5,000 to 50,000। यहाँ पर दोस्तों सेल आ गई है अमेजन की और फ्लिपकार्ट की, दोनों की दोनों सेल्स अनाउंसमेंट हो चुकी है और इसकी ऑफिशियल डेट तो नहीं आई है, लेकिन इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि 9 अक्टूबर से लेके 14 अक्टूबर के बीच में ये सेल रहने वाली है। तो दोस्तों इस सेल में होने वाले हैं बहुत सारे डिस्काउंट्स, क्योंकि जैसे हम हर साल देखते आए कि दिवाली और धनतेरस और दशहरा के बीच में जो जितनी भी ये सेल्स आती हैं, ये सेल्स होती हैं सबसे ज्यादा बेनिफिट्स देने वाली और सबसे ज्यादा डिस्काउंट्स वाली सेल्स आती हैं। तो दोस्तों इन सारी की सारी सेल्स के बारे में बात करने वाला हूं और इन सेल में हमें कौन सा फोन कितने रेट पर मिलेगा और कितना डिस्काउंट हमें इसके अंदर मिलने वाला है और कौन से प्राइस रेट पे कौन सा फोन सबसे ज्यादा बेस्ट रहने वाला है, तो उस बारे में हम आज बात करने वाले हैं। और दोस्तों शायद आपको ना पता हो कि जिस पे ज्यादा डिस्काउंट मिलता है वो फोन निकालने की कोशिश करती है कंपनी जिनकी सेल बहुत कम होती है। तो जैसे आपको पता ही होगा कि जैसे कि एक फोन के ऊपर बहुत ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है का मतलब ये है कि कंपनी उस फोन को निकालना चाहती है, और जरूरी नहीं है कि वो वैल्यू फॉर मनी फोन हो। जैसे कि फोन ओल्ड हो जाता है, पुराना हो जाता है, तो उसकी जितनी भी स्पेसिफिकेशंस है वो भी ओल्ड हो जाती है, उस हिसाब से कंपनी को नए फोन भी निकालने होते हैं, नए फोन की सेल करनी होती है, इस वजह से पुराने फोन पे ज्यादा डिस्काउंट देके उनको निकालने की कोशिश करते हैं। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ वैल्यू फॉर मनी कौन सा ज्यादा फोन सबसे ज्यादा बेस्ट रहने वाला। अगर आप एक अमाउंट पे कर रहे हो तो उस अमाउंट पे वो फोन आज के टाइम पे रिलायबल है या नहीं, कितना वो फोन चलेगा कितना फोन नहीं चलेगा, सारी चीजों को देख के मैंने जो लिस्ट बनाई है वो लिस्ट मैं आपको बताने वाला हूँ। आई होप ये वीडियो आपको पसंद जरूर आएगी, क्योंकि आपको मैं एक बहुत ज्यादा रिसर्च करके मैं सारे फोन के बारे में तब जाके एक लिस्ट मैं आपके सामने देने जा रहा हूँ। और दोस्तों जो इस चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है, क्योंकि ऐसी ही अच्छी अच्छी टिप्स आपको मिलती रहेंगी इस चैनल पे, और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर देना जिससे मेरी वीडियो आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम, जिससे आप रहो बिल्कुल। तो दोस्तों सबसे पहले हमारी कैटेगरी में आते हैं 5,000 से लेके 8,000 के बीच के फोन। तो दोस्तों 5,000 से लेके 8,000 के बीच में 5 से 6 फोन आ जाते हैं जो कि बहुत ज्यादा सेम सी स्पेसिफिकेशंस के हैं। लेकिन दोस्तों मैंने जितनी भी ये जो लिस्ट बनाई है उसमें दोस्तों सबसे ज्यादा मैंने तवज्जो दी है परफॉर्मेंस को, जो सबसे ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देगा उस फोन को मैंने सबसे ऊपर रखा है, उसी फोन की मैंने लिस्ट बनाई है। दोस्तों 5,000 से लेके 8,000 के बीच में मैंने जो फोन सेलेक्ट किया है वो फोन है रियलमी C11। और दोस्तों ये फोन मैंने खुद पर्सनली यूज किया है तो मैं आपको इसके बारे में ज्यादा अच्छे से बता सकता हूँ। तो दोस्तों इसमें हमें मिल जाता है 2GB रैम, 32GB स्टोरेज, पर दोस्तों इसके अंदर हमें मिलता है हीलियो G35 विच इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गर प्रोसेसर बिटवीन द सेगमेंट ऑफ 5,000 to 8,000। मैंने ये टेस्ट किया हुआ है, तो दोस्तों इसका जो डिजाइन वगैरह है वो भी बहुत अच्छा है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं इसके स्पेसिफिकेशंस मैं आपको बता देता हूँ। हमें यहाँ पर डिस्प्ले देखने को मिलेगी 6.5 HD+ IPS LCD डिस्प्ले हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। हीलियो G35 हमें यहाँ पर प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है, 2GB रैम, 32GB स्टोरेज हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाली है, बैटरी हमें यहाँ पर 5000 mAh की देखने को मिलने वाली है, जो कि बहुत अच्छी बात है इसके अंदर। और इसी के अलावा हमें यहाँ पर OS देखने को मिल जाएगा Realme UI Android 10 का, और कैमरा की यहाँ पर मैं बात करूँ तो हमें यहाँ पर ड्यूल कैमरा हमें देखने को मिल जाता है, जो कि 32 MP का प्लस 2 MP का हमें यहाँ पर कैमरा देखने को मिल जाता है, फ्रंट कैमरा हमें यहाँ पर 5 MP का देखने को मिलता है। और दोस्तों यहाँ पर मैं इसके प्राइस की बात करूँ तो हमें यहाँ पर 7,499 में हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा ऑन सेल। और दोस्तों अगर आप अपना बजट 1,000 रुपए बढ़ा देते हैं, 8,499 अगर करते हैं, तो उसके अंदर आपको मिल जाएगा सबसे बेस्ट फोन इस प्राइस रेंज में Realme Narzo 20A। मैं यहाँ पर आपको कंपेयर करके दिखा देता हूँ Realme C11 और Realme Narzo 20A के बारे में। हमें यहाँ पर Realme Narzo 20A में 5,000 mAh की बैटरी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। प्रोसेसर की बात करूँ तो हमें यहाँ पर Snapdragon 665 का हमें यहाँ पर प्रोसेसर देखने को मिलता है, ड्यूअल सिम मिलती है प्लस SD कार्ड के साथ, फिंगरप्रिंट सेंसर भी हमें इस फोन के अंदर मिल जाता है, और यहाँ पर 32GB के साथ हमें 3GB रैम भी मिल जाती है। डिस्प्ले की मैं बात करूँ तो 6.5 inches HD+ डिस्प्ले मिलेगी, जो कि दोनों फोन में सेम है। लेकिन इसके अलावा कैमरा की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो हमें यहाँ पर ट्रिपल कैमरा हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और दोस्तों ये Realme Narzo 20A फोन, ये फोन भी मैंने यूज किया है, तो मैं कहूंगा कि अगर आपका बजट अगर इतना है इससे ऊपर नहीं जा सकता तो आंख बंद करके आप ये फोन ले लीजिए, क्योंकि 8,500 रुपए में इससे बढ़िया फोन मुझे एक भी नहीं दिखा। मैंने बहुत सारे फोन ट्राई करके देखे हैं लेकिन इससे बेस्ट फोन मैं नहीं बता सकता आपको। तो दोस्तों हम चलते हैं हमारे दूसरे प्राइस सेगमेंट में, 10,000 से लेके 11,000 के बीच में कौन सा फोन सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगा। तो दोस्तों आप आंख बंद करके जा सकते हैं पोको M2 के साथ। तो दोस्तों ये फोन हमें मिल जाएगा 11,000 रुपए का, और दोस्तों इसकी जो स्पेसिफिकेशंस हैं और इसकी जो परफॉर्मेंस है उसके बिहाफ पे मैंने आपको ये बात बताई है कि ये फोन सबसे बेस्ट है। और दोस्तों ये फोन भी मैंने खुद यूज किया है, इस वजह से मैं आपको ये रिकमेंड कर रहा हूं। इसकी बॉडी बहुत ही अच्छी है, डिजाइन बहुत ही यूनिक है और बहुत ही अच्छा है। और दोस्तों हमें यहाँ पर पोको
M2 Pro के अंदर देखने को मिल जाती है 6.53 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले जो कि प्रोटेक्टेड है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 के साथ। और हमें यहाँ पर प्रोसेसर हमें इसके अंदर देखने को मिल जाता है हीलियो G80 प्रोसेसर, और यहाँ पर हमें 6GB 64GB वेरियंट हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है विद ड्यूअल सिम प्लस SD कार्ड से हम इसके स्टोरेज को बढ़ा भी सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं बात करता हूँ इसके कैमरा की, तो हमें यहाँ पर क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है और फिंगरप्रिंट सेंसर भी हमें इसके अंदर देखने को मिल जाता है। 5000mAh की बड़ी बैटरी हमें इसके अंदर देखने को मिलती है जिसके अंदर हमें सपोर्ट मिलता है फास्ट चार्जिंग का 18W के साथ। और दोस्तों यहाँ पर हमें वायरलेस रेडियो भी हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर एक बात और मैं आपको बता दूं कि हमें यहाँ पर IR ब्लास्टर सेंसर देखने को मिल जाता है जिसे हम कनेक्ट कर सकते हैं हमारे सारे के सारे होम अप्लायंसेस को बहुत ही इजीली, जो कि सबसे यूनिक फीचर देते हैं जैसे कि हमारी शाओमी, रेडमी, पोको, ये सारी की सारी कंपनीज हमें देती हैं IR ब्लास्टर वाला फीचर। पोको M2 बहुत ही ज्यादा वैल्यू फॉर मनी फोन है जहां तक मुझे लगता है। और दोस्तों आप इस फोन के साथ आप जा सकते हैं अगर आपका बजट 11,000 से ऊपर नहीं है, तो ये फोन आपका सबसे बेस्ट रहेगा। सारे के सारे फोन कंपेयर करने के बाद मैंने इस फोन को आपके लिए सिलेक्ट किया है। और दोस्तों इसी लिस्ट में 1,000 रुपए और बढ़ा देते हैं, और आपका बजट अगर 12,000 फिक्स है, इससे ऊपर अगर नहीं जा सकते, तो 12,000 के अंडर हमें जो फोन मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो फोन सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि ये फोन ऑलराउंडर फोन है। इस फोन के अंदर हमें बेसिक चीजें सारी चीजें मिल जाती है, जो जो एक फोन के अंदर हमें सारी चीजें चाहिए होती है सारी चीजें हमें इसके अंदर मिल जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ Redmi Note 9 के बारे में। तो दोस्तों ये फोन हमें पूरे के पूरे 12,000 रुपए में हमें सेल के अंदर देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों यहीं पर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको एक और बता दूं कि अक्टूबर के एंड में हमें Redmi Note 10 हमें देखने को मिल जाएगा, जिस वजह से Redmi Note 9 पे सेल ज्यादा डिस्काउंट हमें मिल सकता है सेल के ऊपर। तो दोस्तों हमारी नजर रहेगी Redmi Note 9 पे, क्योंकि इसके रेट गिर सकते हैं क्योंकि नेक्स्ट मंथ Redmi Note 10 रिलीज होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं बात करता हूँ इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो दोस्तों हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है Redmi Note 9 में 6.55 इंच की हमें फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है, जिसमें हमें प्रोटेक्शन मिलती है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की, जो कि फ्रंट ग्लास पे हमें देखने को मिलेगी। 450 निट्स की हमें यहाँ पर ब्राइटनेस देखने को मिलती है। यहाँ पर प्रोसेसर की अगर मैं यहाँ पर मैं बात करूँ तो हीलियो G85 हमें यहाँ पर प्रोसेसर देखने को मिलता है जो कि बहुत ही ज्यादा फास्ट है। हमें यहाँ पर 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है विद डेडिकेटेड SD स्लॉट के साथ हमारी स्टोरेज को बढ़ाने के लिए। और दोस्तों हमें यहाँ पर 5000mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है विद 18W फास्ट चार्जिंग के साथ। और दोस्तों यहाँ पर हमें रिवर्स चार्जिंग का ऑप्शन भी हमें इसके अंदर मिल जाता है, तो हम हमारे फोन को एज ए पावर बैंक यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों हमें यहाँ पर 48MP का क्वाड कैमरा सेटअप हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, और यहाँ पर हमें फ्रंट कैमरा 13MP का देखने को मिलता है। और मैंने आपको यहाँ पर प्राइस आपको बता ही दिया है कि हमें ये फोन 12,000 का मिलेगा, और मे बी इससे कम का मिल सकता है क्योंकि नेक्स्ट मंथ Redmi Note 10 रिलीज होने वाला है। तो दोस्तों अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट बजट फोन के बारे में, जो कि रहेगा 13,000 से लेकर 15,000 के बीच में। जो फोन सबसे ज्यादा बेटर रहेगा वो फोन मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पर मुझे दो फोन यहाँ पर मुझे मिले हैं जिसमें मैं कंपेयर नहीं कर पा रहा कि कौन सा फोन सबसे ज्यादा बेटर है। आप अपने हिसाब से देख लीजिए आपको कौन सा फोन ज्यादा बेटर लगता है, और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में भी आप बता सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मुझे फोन मिले हैं Realme 7 और इसी के अलावा Poco M2 Pro। दोनों ही फोन 15,000 रुपए के हैं, लेकिन 14,000 का एक हमें Poco M2 Pro का वेरियंट हमें देखने को मिल जाता है। 4GB रैम 64GB स्टोरेज इसकी रहती है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं तो रेकमेंड करूंगा आप कि आप 6GB रैम ही लीजिए जो कि 15,000 रुपए का है। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ इसके स्पेसिफिकेशंस के, दोनों फोन के अंदर हमें क्या क्या कंपैरिजन देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं कि Realme 7 के अंदर हमें प्लास्टिक बैग देखने को मिलता है, और Poco M2 Pro के अंदर हमें ग्लास बैग हमें इसके अंदर देखने को मिलता है। डिस्प्ले की मैं यहाँ पर बात करूँ तो हमें यहाँ पर 60Hz की डिस्प्ले देखने को मिलती है Poco M2 Pro में, और वहीं हमें 90Hz की डिस्प्ले देखने को मिलती है Realme 7 में। यहाँ पर मैं कैमरा की बात करूँ तो हमें यहाँ पर एवरेज कैमरा देखने को मिलता है Realme 7 में, और Poco M2 Pro में बेटर कैमरा मुझे यहाँ पर देखने को मिलता है। तो दोस्तों यहीं पर मैं बात करता हूँ इसकी परफॉर्मेंस की, तो दोस्तों दोनों की परफॉर्मेंस सेम है। यहाँ पर टॉप परफॉर्मेंस हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, दोनों की इक्वल परफॉर्मेंस हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। सिम की बात करें तो हमें यहाँ पर Realme 7 और Poco M2 Pro दोनों में हमें ड्यूअल सिम का सपोर्ट देखने को मिलता है विद SD कार्ड के साथ। तो दोस्तों हमें यहाँ पर बैटरी तो दोनों फोन के अंदर हमें देखने को मिलती है 5000mAh की बैटरी, लेकिन 30W का चार्जर हमें देखने को मिलता है Realme 7 में, और 33W का चार्जर हमें देखने को मिलता है Poco M2 Pro में। तो दोस्तों दोनों फोन की स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दी है, मैं तो दोनों में कंपेयर नहीं कर पाया। आप अपने हिसाब से, आपके यूजेस के हिसाब से आप
अपने फोन के साथ जा सकते हैं, जो फोन आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। ये वीडियो ऑलरेडी काफी लॉन्ग हो चुकी है, मुझे लगा कि ज्यादा लंबी नहीं होगी, लेकिन मैं दोस्तों इसके आगे की जो लिस्ट है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखा दूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। आपको कौन सा फोन पसंद आया है वो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं कि ये फोन मुझे पसंद आया। और दोस्तों इससे बेटर, मेरी लिस्ट से बेटर अगर आपके ध्यान में अगर कोई फोन है तो वो फोन भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।